कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तमाम उतार चढ़ाव और आरोप प्रत्यारोप लगाने के बावजूद जुबानी जंग चुनाव के आखिरी दिन भी जारी थी। बीते 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम 15 मई को आएगा और इस दिन साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन होगा। और वही बात करें एग्जिट पोल की, तो इसके मुताबिक कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है। लेकिन आपको बता दें, एग्जिट पोल पर अपनी राय देते हुए कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और आगे कहा कि लड़ाई मोदी और मेरे बीच में नहीं है, ये लड़ाई मेरे और बीएस येदुरप्पा के बीच है और इस लड़ाई में जीत का सारा श्रेय पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को जाता है। आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर कर्नाटक में पार्टी किसी दलित को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाती है तो मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने आखिरी चुनाव लड़ा है, लेकिन राजनीति में बने रहेंगे। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।